एवरीवन, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, तो मैं हूँ चौहारा में इस टाइम पे। तो इस टाइम मैं चौहारा में शादी में आया था। हम कल शादी में आ गए, अपनी फ्रेंड की शादी है, एक रिया नेगी। मैं हूँ जांगला, बडियारा से ऊपर थोड़ा बखोली एक गाँव पड़ता है चौहारा तहसील का, वहाँ पे हूँ मैं। और ये आप चौहारा बेल्ट देख सकते हो, अब आपको दिख नहीं रही होंगी यार, बहुत धूप पड़ रही है ना बाहर को, यहाँ को छाया है। तो हम अभी इधर आए हैं, अभी आपको मैं बैक कैमरे से बढ़िया से दिखाऊंगा। तो ये अपना लक्की डॉटर लाइव है इंस्टाग्राम पे, सब देख लो, व्लॉग बन रहा है मेरा, व्लॉग सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल। और अभी हम दिखाते हैं ये अपनी गड्डी यहाँ पे खड़ी, यहाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ाई अभी, तो कल चढ़ी नहीं हमारे से, आज हमने चढ़ाई ली जैसे तैसे करके, इसको उतार के खाली चढ़ा दी मैंने, बहुत टक्कर है यहाँ पर, आपको वापसी में दिखाएंगे। तो आप बाकी आप देख ही सकते हो, चलो आपको मैं चौहारा वैली दिखाता हूँ बाकी। तो गाइस ये है आपकी चौहारा वैली, और जो ये गांव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ मंदिर भी नजर आ रहा है, ये है थली, और ये बोलते हैं कि, और ये है निचली थली ये वाली। बाकी आपको और दिखा लेते हैं थोड़ा बहुत, और ये है ये वाला गांव है जो, ये है अम्बोई, अम्बोई बोलते हैं, पता नहीं बाकी। ये है नीचे जांगला, और जांगला यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा है। बाकी एक ये वाला गाँव, ये मुझे पता नहीं कौन सा है, इधर रनहोल है, ये रनहोल है शायद पार, और उधर ऊपर कोयला है कहीं, बाकी वो पता नहीं। और बाकी ये आप देख सकते हो, ये है मुराल डंडा की चोटियां, बहुत ही अच्छी चोटियां हैं, ये मुराल डंडा है, आप इधर घूमने आ सकते हो। पर अब तो बड़ा मुश्किल है, अगर बर्फ पड़ गई तो तब तो बहुत मुश्किल है माना। और ये है हमारा चांचल वैली, यहाँ तो आप कभी भी आ सकते हो जिप्सी थार थूर लेके, और यहाँ पे गाड़ी आ सकती है चांचल पे पूरी टॉप तक। और जो आप जो आपका ये मुराल डंडा, यहाँ गाड़ी नहीं जा सकती आपको, यहाँ ये वाले गाँव से ऊपर सारा पैदल ट्रैक है, तो इस तरह का व्यू है कुछ। और अभी आपको मैं शादी दिखा लेता हूँ, शादी कहाँ पे, तो चलो को ले चलते हैं, अभी शादी दिखाते हैं किस तरह की शादी है, कहाँ पे शादी है। ओहो बहुत धूप पड़ रही है मुंह पे, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं शादी, जहाँ हम शादी में आए हुए। तो चलो अभी यहीं से दिखाऊंगा, नीचे जाके तो दिखाऊंगा नहीं, अभी नीचे कहाँ जाऊंगा, अभी कोई आया नहीं, दोस्त वगैरह और भी आने हैं थोड़े बहुत, पहले दिन के तो आगे थे, हमारा स्वागत सुगत बढ़िया हुआ गेट पे, हमारे को शॉल वॉल मिले बढ़िया, शॉल तो क्या मतलब वो चादरू बोलते अपनी भाषा में उनको, वैसे थे बढ़िया से एक नंबर। तो अभी हम आपको और दिखा लेता हूँ मैं शादी कहाँ पे, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी बड़ी मुश्किल से, इस रोड में गाड़ी चढ़ी आज। तो अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं किस तरह का व्यू है जरा यहाँ से शादी का, और इधर पार भी कुछ गाँव पड़ते है वो भी दिखाता हूँ, चलो पहले शादी दिखा लेते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों आप ये लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे शादी है, ये है रिया का घर जिसकी शादी में हम आए। बाकी ये वैली भी यहाँ से दिखती है, ये जो डाक गांव डूक गांव पता नहीं, ढिसवाणी भटवाड़ी बागी ग्वास वो सारा इस साइड पड़ता है पूरा, वो पूरा इधर को ही पड़ेगा ये पूरा, वही चौहारा वैली आप देखो, ये रनसार वैली है, ये वाला पहाड़, और ये जहाँ मैं यहाँ पे ये वाला पहाड़, ये वाला नाले में आर पार को दोनों, ये है रनसार वैली। और बाकी ये पार की वैली तो मुझे पता नहीं, पर इधर ग्वास भटवाड़ी बाकी पता नहीं क्या क्या पड़ता है, डाक गांव डूब गांव उधर पीछे को पड़ता है, डाक गांव तो शायद उधर वही है शायद, डाक गांव वाला गांव वो डाक गांव है। बाकी यहाँ पे शादी है, अभी हम इसकी शादी में आए, कल आगे थे, कल बढ़िया स्वागत होगा। तो आप इधर देख सकते हो खेत वेत, बढ़िया खेत है, ऐसे पहाड़ों में होते हैं यहाँ पे खेत, ये चौहारा के खेत वाली वैली, आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया खेत है सारे टोटल, ये देखो आप अच्छे से अच्छे खेत है यहाँ, अच्छे से अच्छे बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे खेत है मतलब यहाँ पे। तो चलो बाकी आपसे यहाँ पे शादी अभी जाएंगे, शादी में तो व्लॉग बनाऊंगा नहीं, मेरे को आती है शर्म सीधी बात, तो अब मिलते हैं। मैंने शादी वादी दिखा ली कहाँ पे है, तो अभी हम यहाँ से थोड़ा ऊपर रुके है, बंदे को गोरा होने का क्रीम चाहिए, तो वेट कर रहा है लड़की का, कब आए कब क्रीम दे मेरे को, जो और फ्रेंड भी आई है लड़कियाँ, कल बिल्कुल गोरा दिख रहा था ना, आज देखो टिट काला लग रहा है, देखो कैसा काला दिख रहा है, अभी दिख रहा है, इसके बाद दिखेगा तो फिर गोरा दिखेगा, गोरा भी इतना दिख रहा है, लड़कियों से भी गोरा दिख रहा था, मौसम के साथ चेंज होता रहता है मौसम गिर गिट है, रंग बदलता है, ये मौसम के साथ चेंज होता रहता है। तो इधर इधर शादी थी, पार का व्यू भी आपको दिखा लिया, बाकी भटवाड़ी साइड का, इधर थड़ी थोड़ी साइड का भी दिखा लिया, ज्यादा हमारे को पता नहीं है यहाँ पे, अभी देखते है बाकी क्या बनता है, अभी शादी का, अभी शादी में जाएंगे हम, तो काले मैं तो हूँ काला, मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ मैं तो काला हूँ, देखो क्या सेक्सी लग रहा हूँ, काला में ब्लैक ब्यूटी, चश्मे कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ना, कमेंट में जरूर बताना चश्मे कैसे लग रहे हैं, इसके चश्मे कहाँ है, चश्मे
अभी चश्मे बंधन अंदर रखे, अभी तब तक नहीं पहनेंगे जब तक वो स्प्रे होने वाला क्रीम नहीं लगाया ना, यूं यूं लगाना पड़ता कुछ यूं यूं घोल के पहले सारे में, तब रगड़ना पड़ता है एक घंटे तक, फिर उसका ठीक लगता, नहीं तो लगता चूना लगा लिया। फिर अभी देखते हैं क्या बनता है और आगे। शाम को ज्यादा मच गया था और बड़ी मुश्किल से घर लिया, नाचने में जोर दिया था बंदे ने, ऐसा कुछ नहीं है, मचते मुछते है नहीं, हम बोलने में क्या जाता है व्लॉग में ना, व्लॉग अच्छा थोड़ा मनोरंजन हो जाता है बंदों का, इसलिए बोल देते हैं हम कुछ भी। वैसे भी हमारे घर वाले भी देखते हैं, इसलिए हम ऐसे फालतू चीजें नहीं बोलते, पर बोलेंगे भी क्यों जब हम करते ही नहीं है ना। हम बहुत शरीफ है यार, अच्छे घर से हम, है ना, क्यों क्यों हमारे बराबर शरीफ लग रहा कोई, देखो जरा ये देखो भाग गया शर्मा के, देखो आ जाए इधर, ये देखो कितने शरीफ हैं, वाह वाह बोला। अब आप लोग सोच रहे इतने एरिया में बंदे ने पूरा व्लॉग बना दिया, अब बढ़ेगा इतने एरिया में कहीं जा नहीं सकता यार, मेरे को पता नहीं यार, पर दिख रहा हूँ आजकल से ज्यादा गोरा लग रहा है। कल का फोटो मैं यहाँ डाल दूंगा ना साइड में, यहाँ पे फिर बता रहा आपने चूने लगा के सही था कि ऐसा ही सही है, ठीक है साइड में फोटो दिख रहा होगा आपको ना, अब बताओ कैसा है कमेंट बॉक्स में। बाकी देखते है क्या बनता है इसके बाद, अभी गोरे गोरे हो गए थोड़े स्मार्ट मार्ट, फिर जब शादी में जाएंगे तब जी अभी बरात आएगी वो भी दिखाते हैं आपको। चलो तो गाइज अभी लक्की गया है, नीचे से फोन आया था लड़कियों का कि इसको क्या नाम, ये बैग ले जाओ क्रीम क्रूम वाला, अभी गया है क्रीम लाने, आधे तक उन्होंने बुला देता आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो क्रीम नहीं मिलेगा, दौड़ के गया है वो गोरे होने का क्रीम लेने, अभी आता है तो आपको दिखाता हूँ मैं, उसका वेट करते हैं देखते आ रहा कि नहीं, अभी पता आने वाला है, दो चार मिनट में पहुंच जाएगा फिर दिखाता हूँ आपको। ये लक्की पहुंच चुका है, ये देख सकते हो आप, चला है बैग उठा के, आ गया देखते जरा क्या लाया इसने, पहुंच गया आ गया गोरेओड़े का करीब लेके आ गया भाई। देखो बैग ला लिया बंदे ने पूरा, अभी इसमें क्रीम श्रीम पता है कहाँ है, पूछा है अंदर इसी में, अभी क्रीम व्रीम निकालेगा बंदा है, देखो बढ़िया फटाफट से बैग वो खोल दिया बंदे ने, देखते हैं इसका मेकअप आज, देखो तुम बार को इसकी नेचुरल त्वचा देखो इसकी, पहले अभी इसके बाद देखना इसको, ये नहीं है तो क्या नाम बोलते है, ये तो सनस्क्रीन है, ये तो सनस्क्रीन है, इसको तो मैं लगाऊंगा बढ़िया, ये भी ये लगाएगा अभी काजल वाजल बढ़िया, और यहाँ पूरा मेकअप होगा इसका जैसे लड़कियों का था ना, और यहाँ बरात के लोग पहुंच गए यहाँ देख सकते हो आप, और बरात आई नहीं, दो चार लोग पहले आ गए थोड़ा ऊपर, ये है वो ओले ओ आई एल ओल ओ आई एल सर आए देखो लगाया मेकअप कर, नहीं नहीं बंद करो, दिखाओ अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से लगा के इसको, देखो आप अभी ये देखो गाइस इस तरह से लगाना पड़ता है, देखो देखो लगा ये देखो इस तरह से लिपस्टिक जैसा होता है निकलता है ऊपर, और इस तरह लगाएगा अभी इसका चमके, ज्यादा ज्यादा लगाना थोड़ा यार, तू तो बहुत कम लगा रहा है, ये देखो मैं लगा रहा हूँ भाई VLCC ये वाली VLCC, और ये देखो क्या लगा रहा है देखो जी, और आप देख सकते हो दूल्हे की गड्डी, ये बरात बरात आ गई है, ये देख सकते हो बरात गई, बरात आ गई है सीधा फॉर्चुनर में, दूल्हा आ गया बढ़िया दुल्हन को लेने, और यहाँ देखो यहाँ मेकअप चला, जल्दी करो बरात आ गई यार, जाना भी हमने नीचे, तो इसका मेकअप मुकअप इस तरह से भी दिखाता हूँ इसके बाद इसको, आप कैसा बनता है ये देखना अभी कितना रगड़ने के बाद, थोड़ा मैं अभी क्रीम व्रीम लगा देता हूँ फिर मिलते हैं, तो अभी मैं क्रीम व्रीम लगा के हो गया ओके, ये देखो अब कितना गोरा दिख रहा है देखो, अब लग गया ना नेचुरल, क्या है सीन और ऐसा क्यों है इतना स्मार्ट बनता है, लड़कियों देख लो कहीं लाइन लूइन मारने की कोशिश करे तो ऐसा है, इसके मुंह में पानी मार देना जैसे ही पूछेगा ना वैसे इसके मुंह पानी मार देना, इसकी नेचुरल त्वचा आपके सामने पेश हो जाएगी। तो दोस्तों अभी दुल्हन को ले जा रहे हैं शादी के मंडप पे, मामे लोग अभी दिखाते हैं आप,
पहुंच गया हूं मैं हटकोटी में, आज है नेक्स्ट डे। जिस दिन मैं ब्लॉग पहले दिन आपको जो व्यू वगैरह वहां का दिखाया, शादी वगैरह दिखाई, तो वो पहले दिन की थी। तो आज है नेक्स्ट डे, तो आज हम घर आ गए थे कल ही रात को, मतलब रात को मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, 10-11 बजे पहुंचा मैं घर में। तो अभी हटकोटी पहुंच गया, आपको दिखाया मैंने वहां का व्यू वगैरह, किस तरह का आपको व्यू लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको शादी भी थोड़ी बहुत दिखा ली थी मैंने, वैसे आपको पता है मैंने बताया भी था, थोड़ी अभी न्यू व्लॉगिंग है तो अभी शूट करने में थोड़ा, आपको पता ही है थोड़ी सी शर्म सी आती है ना थोड़ी सी लोगों के बीच, तो अभी तो पहुंच चुके हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो को करना है लाइक और शेयर जरूर करना है वीडियो को, और जो लोग भी नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।